हेलो फ्रेंड्स, एम के रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बेसन भरमा मिर्च। उसके लिए मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल दिया है। आप इसमें अपने आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने तो फिलहाल 1 चम्मच लिया है। अब इसमें मैं भूनने वाली हूँ बेसन को। मैंने 200 ग्राम बेसन लिया है। इसको अच्छी तरह से धीमी आंच में हल्का हल्का सा भून लेंगे। धीमी धीमी आंच में हल्के हाथ सा इसको भूनना है, जब तक इसका बादामी कलर नहीं हो जाता। अब देखते जाइए, इसका बादामी कलर होने वाला है। ये अपना बेसन भून गया है, इसको बादामी कलर हो गया है। अब इसको हम एक पैन में खाली कर लेंगे। मैंने इसमें खाली कर लिया है। अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। इतने में शिमला मिर्च तैयार करते हैं। मैंने यहाँ लिए 7-8 शिमला मिर्च। अब मैं इनको अच्छे से धो के साफ करके लिया है। अब इनमें थोड़ा थोड़ा काट के बीच में चीरा लगाएंगे। एक एक करके सारी मिर्ची में ऐसे चीरा लगाना है, जैसे मैं लगा रही हूँ। ये सारी मिर्ची में ऐसे चीरा लग चुका है। अब इसमें हम ये इस तरह से सभी में चीरा लगाना है। अब अपना बेसन ठंडा हो चुका है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, हाथ से भून मसल लूँगी, ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह हो तो वो फूट जाए। इसलिए इसे मसल के अच्छा सा कर लेना है। ये मैंने मसल लिया है। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ 1 चम्मच मिर्ची, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा एक चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच अमचूर। इससे क्या है, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है अमचूर से, और स्वादानुसार नमक। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। मिला के इसमें 2-4 पत्ते धनिया के बारीक काट के डाल देंगे। वैसे आप अपने स्वादानुसार ले सकते हैं, मुझे धनिया पसंद नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा सा ही लिया है। अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इस तरह से अच्छा बढ़िया मिक्स करना है। पानी आपको अपने ज़्यादा नहीं डालना है, आवश्यकता अनुसार ही डालना है। और इसको ज़्यादा गट्ठा टाइट भी नहीं रखना है, मामूली से रखना है, ताकि वो क्या टाइट अगर रखोगे तो मसाला सॉफ्ट नहीं बनेगा। इसलिए अच्छा सा, और इस तरह मिर्ची में एक एक करके सारी मिर्ची में मसाला भर लेंगे। ये मसाला भर चुका है। मैंने इसी तरह धीरे धीरे एक एक करके सारे मिर्च में मसाला भर लिया है। ये अपनी मिर्चियाँ मसाला भर के रेडी हो चुकी है। अब इनको हम तेल में फ्राई करेंगे। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे। इसमें मैंने डाला वापस 1 चम्मच तेल। वो मैं चम्मच से नहीं ले रही हूँ, मेरे पास कुछ तेल लेने का वो ग्राम वाला है तो उससे लेती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा ही लेती हूँ, इसलिए 1 चम्मच दो बार करके ले ले। अब एक एक करके इस तेल में मिर्ची को ऐसे डाल देंगे, इसे डाल के ढक देंगे, और थोड़ी थोड़ी देर में इसको पलटते रहना है। ये मिर्ची
धीमी आंच पे चलाना है। धीमी आंच पे चला के थोड़ी थोड़ी देर में इसको पलटते रहना है और ढक देना है वापस। इस तरह ये अपनी मिर्ची पक जाएगी। थोड़ी सी देर बाद मैंने वापस पलट दिया इनको, ये ढक दिया मैंने। अब थोड़ी थोड़ी देर में इसको पलटते रहना है और ये देखो अपनी मिर्ची, भरवा मिर्ची तैयार है। देखिए कितनी अच्छी और बढ़िया बनी है। इसका मसाला भी आप देख सकते हो कितना अच्छा नरम सॉफ्ट बना है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और आराम से आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी से भी साथ खा सकते हैं।